चलिए बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के शोर के बीच धर्मांतरण पर छिड़े विवाद की नारायणपुर की घटना के बाद बस्तर संभाग धर्मांतरण की आग में सुलग रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस इस पर जमकर सियासत कर रही है। ये वीरान सड़कें और बंद पड़ी दुकानें, कर्फ्यू सा माहौल है। दरअसल ये नारायणपुर में धर्मांतरण विवाद का आफ्टर इफेक्ट है। नारायणपुर में धर्मांतरण विवाद में खूनी संघर्ष और पुलिस बल पर हमले की तस्वीरें सभी ने देखी। फिलहाल प्रशासन की ओर से नारायणपुर में सब कुछ शांत होने का दावा किया जा रहा है। ग्रामीण अंचलों में बिल्कुल स्थिति काबू में और सभी को समझाइश दी जा रही है कि बिल्कुल किसी भी तरह जो है शांतिपूर्ण माहौल में रहें और कोई भी स्थिति परिस्थिति पे नजर रखने के लिए पूरी तरह फोर्स तैनात है और प्रशासन सख्त है। तो प्रशासन कह रहा है कि नारायणपुर में सब कुछ शांत है, लेकिन फिलहाल नारायणपुर पुलिस छावनी में तब्दील है और इस घटना के विरोध में गुरुवार को बस्तर बंद बुलाया गया। दरअसल नारायणपुर जिला बस्तर संभाग का हिस्सा है, लिहाजा नारायणपुर की घटना से पूरा बस्तर सुलग रहा है। आने वाले समय में स्टेप बाय स्टेप भी हमारे जो आदिवासी समाज के लोगों को जिस प्रकार पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है उनके छुड़ाने के लिए जो है हम आंदोलनरत रहेंगे। उधर इस मसले पर सियासत भी तेज है। बीजेपी ने नारायणपुर की घटना को लेकर 6 सदस्यीय जांच कमेटी बना दी है। बीजेपी के इस डेलीगेशन ने 4 जनवरी को नारायणपुर की ओर कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। इस दौरान बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री केदार कश्यप का एक भावुक वीडियो भी सामने आया। और उसीलिए आप लोगों ने यहाँ पे रोका, आप लोग को कि आप लोग हमारे आदमी को यहाँ पे नंगा करके मार सको। नारायणपुर की घटना को लेकर बीजेपी सत्ता पक्ष पर धर्मांतरण को शह देने का आरोप लगा रही है। जो कुछ हो रहा है वहाँ वो सरकार संरक्षित धर्मांतरण। तो कुल मिलाकर पहले नक्सलवाद और अब धर्मांतरण की आग में बस्तर सुलग रहा है। टीम न्यूज स्टेट। और भोपाल से इस बीच बड़ी जानकारी बरकतुल्ला विश्वविद्यालय की होगी कुर्की। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। कुर्की को लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया आदेश। यूनिवर्सिटी ने ट्रैवल एजेंसी का रुपया नहीं चुकाया था, बकाया राशि नहीं देने पर कुर्क करने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की टीम आज विश्वविद्यालय पहुंचेगी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चलें कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की कुर्की होगी। कुर्की को लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आदेश दिया है। यूनिवर्सिटी ने ट्रैवल एजेंसी का रुपया नहीं चुकाया था, जिसके चलते ये आदेश। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की कुर्की, क्या कुछ जानकारी? हाँ बिल्कुल, देखिए मामला जरूर सामने आया है, लेकिन अभी पूरी तरीके से जांच के घेरे में आ गया है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो ट्रेवल एजेंसी है उसके 12 लाख का एक मामला था जो सामने का कराया था। 12 लाख का भुगतान ना करने पर कुर्की करने के लिए बीयू की जो टीम थी वो हाईकोर्ट की टीम, हाईकोर्ट की जो टीम थी वो पहुंची थी। हालांकि इसमें रजिस्ट्रार के आश्वासन के बाद थोड़ी सी मोहलत जरूर दे दी गई है। तो जो कुर्की है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर रुकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कुल सचिव कार्यालय के सम्मान की जो तैयार की जो लिस्ट थी वो भी यहाँ पर बना ली गई थी। ऐसा बताया जा रहा है कि ट्रेवल एजेंसी का जो पेमेंट था वो बकाया था, करीब 12 लाख रुपए की जो राशि का भुगतान था वो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय ने नहीं किया था, जिसके बाद हाईकोर्ट की जो टीम थी वो यहाँ पर कुर्की के लिए पहुंची थी। लेकिन रजिस्ट्रार से चर्चा की गई, उससे बातचीत हुई, उसके बाद जो आश्वासन मिला उसके बाद अब थोड़ी सी मोहलत और मिल गई है। तो यहाँ पर देखिए कि कुछ मोहलत मिली है, जिसके बाद अभी बताया जा रहा है कि अगर इस मिली मोहलत के अंतर्गत पैसा नहीं दिया गया तो उसके बाद ही कुर्की की कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अभी वर्तमान में कुर्की की कार्रवाई को रोक दिया गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार इस पर अपडेट्स आ रही है, जहाँ फिलहाल कुर्की की कार्रवाई रोकी गई है।